हो गई। वही करी डाले तो क्या नॉन करंट एसेट्स और ये इसकी टाइप्स हो गई दो, टेंजिबल और इनटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा इसमें डिफरेंस क्या होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल में? टेंजिबल एसेट्स वो होंगी जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, वो एसेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें टच कर सकते हैं, वो कहलाते हैं टेंजिबल नॉन करेंट एसेट। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, ये सब क्या है? टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स हो। और ये इसकी एग्जाम्पल्स हो गई टेंजिबल की। और इनटेंजिबल जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों है? अच्छा इनटेंजिबल कौन से होंगे? एयर, एयर हो गई और ऑक्सीजन हो गई। लगा अच्छा ऑक्सीजन हो गई और सर्विस सर्विसेज स्किल्स कोडिंग। अच्छा एयर को आप ओन करते हैं फिर ऐसे कैसे हुआ जी? चलें बताता हूँ। आप इनटेंजिबल कौन से होते हैं? कैश इनटेंजिबल होते हैं। अभी तो करंट एसेट में लिखा हमने, वो तो करंट होता है, नॉन करंट होता ही नहीं है। है नहीं तभी। अच्छा आर्टिफिशियल इनटेंजिबल मोबाइल सिग्नल हो गए ठीक, कहाँ कहाँ चला गया। टैलेंट हो गया आपका ठीक है। अच्छा देखिए टैलेंट हो गया और क्या कहते हो आपने, स्किल्स हो गए। अच्छा देखिए इसको आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये आता है गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स। अब जो आप बात कर रहे हैं स्किल्स की, और क्या बात की अभी, टैलेंट की आपने बात की, तो वो इसमें नहीं आता। लेकिन स्किल्स टैलेंट एक एसेट होता है, लेकिन उसको आप मेजर नहीं कर सकते ना। अकाउंटिंग में हम बात करते हैं मॉनेटरी टर्म में ना, यहाँ बात होगी मॉनेटरी टर्म्स में, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, इतने की, ऐसे ही है। यहाँ बात किसकी होगी? पैसे की। अब आपका जो टैलेंट है, आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, उसको आप मेजर कर सकते हैं कितने का है? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कोई कीमत नहीं है ठीक। इसलिए हम उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करते, वैल्यू नहीं है ना, तो मतलब वो मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, तो लाजम क्या कहेंगे उसको, क्या बोलते हैं, इसलिए एक वर्ड यूज होता है ना उर्दू में अच्छा सा, क्या कहते हैं, कि कोई कीमत ना हो। नहीं बेलॉस तो खिदमत होती है। तो आपको जो टैलेंट है उसकी तो कोई अनमोल, हाँ अनमोल होता है ना, टैलेंट तो आपका अनमोल है, उसकी तो कोई मोल ही नहीं है ना। तो ये चीजें इसमें नहीं आती, क्योंकि अकाउंट्स में हम बात करेंगे मॉनेटरी टर्म्स ना, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, इतने की, इसलिए। अच्छा अब इंटेंजिबल में क्या है, गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स, सभी होते क्या है तो बात कर लेते हैं। अच्छा गुडविल क्या होती है? एक होता है देखें गुड विल, दो अलग वर्ड है, गुड विल वो जो आप बात कर रहे हैं गुड विल, नेक ख्वाहिशात, अच्छाई, ये एक वर्ड है गुडविल। हाँ कंपनी की रेपुटेशन, रेपुटेशन, रेपुटेशन को भी आप कह लें, रेपुटेशन कह लें, फेम कह लें इसको, नाम कह लें ठीक है, आपकी शोहरत, इसको कहते हैं गुडविल। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, इसे कहा जाता है गुडविल। अच्छा अब देखिए एक आपका गुड, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया मार्केट में आप, अच्छा आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, इसकी वजह क्या थी? नाम वही आ गया ना गुडविल।
गुडविल क्या होती है? नाम। क्या आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का आपके मार्केट में एक नाम बन गया। अच्छा, आप एक बार आपका नाम बन जाए मार्केट में तो फिर क्या होता है, फायदा क्या होता है उससे? आपके नाम से प्रोडक्ट सेल होती है फिर, और बस ठीक है। तो एक बार अगर नाम बन जाए तो फिर आपके नाम से प्रोडक्ट सेल हो रही होगी, और फिर सालों आपको उसका बेनिफिट मिलता रहता है। तो इसलिए गुडविल हमारे लिए क्या है, इनटेंजिबल। अच्छा, गुडविल नजर आती है, नाम शोहरत फेम, लेकिन एग्जिस्ट कर। तो गुडविल क्या है, आपकी रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, और एक बार गुडविल बन जाए तो सालों बेनिफिट मिलता है आपको उससे, और ये एग्जिस्ट करती है लेकिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं। अच्छा, इसके बाद है कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट। अच्छा, कॉपी इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इसमें आप लाइसेंस लिख सकते हैं, लाइसेंस हो गया, फ्रेंचाइज हो गई। हाँ ठीक, ये सब क्या है इन। अच्छा, ये कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, ये सब एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग आप चेक करें तो सेम होते हैं, लेकिन आप डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, ऐसा होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ये कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, ये सब एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है जो डिफरेंट सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। अब वो एक चीज क्या है, और वो एक चीज है राइट्स। राइट्स किसी काम को करने के राइट्स। अब होते क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं बता देता हूँ मैं। अच्छा, कॉपी राइट्स नाम से क्लियर है, कॉपी राइट्स मतलब कॉपी करने के राइट्स। हाँ, तो क्लेम तो अलग होता है, बाद में फिर होता है। तो कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपी, लेकिन नाम से क्लियर है, कॉपी राइट्स यानी ये कॉपी करने के राइट्स। अच्छा, अब आपने देखा कहाँ यूज होता है ये। अब आप फर्ज करें आप एक राइटर हैं, आपने एक बुक लिखी, बल्कि आपको बताता हूँ, आप आजकल के दौर के हिसाब से यूट्यूबर्स आजकल बड़े फेमस हुए हैं। अच्छा, अब आप फर्ज करें यूट्यूबर हैं, आपने वीडियो बनाई, वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की, वीडियो आपकी फेमस हो गई। अच्छा, फेमस होने के बाद क्या होता है, हाँ, कोई भी चीज फेमस हो जाए तो उसकी कॉपी बनती है ना, फिर लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे और एज इट इज कुछ तो एज इट इज अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, या कुछ उसको एडिट करके आगे अपलोड कर देंगे, और फायदा उनको भी होगा ना। अब लेकिन इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ, कॉपीराइट लेंगे अपने उस प्रोडक्ट को अपने नाम पर। अच्छा, कॉपीराइट क्या होता है कि आप अपने इस प्रोडक्ट को, इसका बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, आप वहां जाएंगे, आप उनको बताएंगे आपने ये वीडियो बनाई, आपने ये बुक, जैसे कि बुक भी आप लिखते हैं, राइटर हैं, आपने की बुक लिखी है, बुक आपके मार्केट में आई, फेमस हो गई, फिर क्या होगा, कोई दो नंबर लोग, दो नंबर उसकी कॉपी बनेगी। ठीक, आप कोई सिंगर हैं, आपने कोई एल्बम रिलीज की, सॉन्ग्स आपके फेमस हो गए, फिर क्या होगा, कोई दो नंबर लोग मार्केट में आएंगे, उसकी कॉपीज बनाएंगे और बेचना शुरू कर देंगे। उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, इसका बाकायदा कॉपी राइट है, डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहां आप जाएंगे, आप जाके उनको बताएंगे भाई आपने ये वीडियो बनाई, या आपने ये बुक लिखी, या आपने ये एल्बम बनाई है, तो वो आपके नाम पे उसको करेंगे रजिस्टर। ठीक है, उसकी कुछ पेमेंट होती है, आप फीस पे करेंगे, और आपके नाम पे वो प्रोडक्ट आपके रजिस्टर हो जाएगी, आपकी वीडियो, आपकी सॉन्ग, आपकी बुक्स जो भी है, आपके प्रोडक्ट रजिस्टर हो जाएगी, आपको मिल जाएंगे फिर कॉपी राइट्स। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको मिल जाएंगे कॉपी राइट्स, क्या बाप के अलावा कोई और उसकी कॉपी नहीं कर सकता, और अगर कॉपी करेगा तो वो इलीगल होगा और आप उस पर केस कर सके। ठीक, अब ये कॉपी राइट्स क्या होगा, राइट्स है ना, कॉपी करने के राइट्स। अब जो राइट्स आपको मिलेंगे वो नजर आते हैं, आप किसी को दिखा सकते हैं, नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ, क्या कोई भी बंदा रोड पे जा रहा है वो आके आपको पढ़ाना शुरू कर सकता है, नहीं। इसके लिए पहले क्या है, पढ़ के तो आगे पढ़ा लिखा जा रहा है, कोई शॉर्ट से नहीं, इसी से क्वालिफाइड है। पहले वो आएगा जॉब के लिए अप्लाई करेगा, जॉब मिलेगी तो पढ़ाएगा ना, एक्सपीरियंस हो, सब कुछ हो, हर चीज है उसके पास, लेकिन नहीं आ सकता ना जब तक उसको यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी, जब तक जॉब नहीं मिलेगी वो नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो जॉब मिलने का मतलब क्या है, आपको राइट्स मिलेगा कि अब आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, तो मुझे यहाँ राइट्स मिलेगा, टीएसए ने राइट्स दिए मैं पढ़ाने के, वो राइट्स किधर है, अगर नहीं आते लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हर बंदा आके नहीं पढ़ा।
एग्रीमेंट तो सो डॉक्यूमेंट तो बनेगा, बिल्कुल डॉक्यूमेंट बनता है, लेकिन एक वो जो डॉक्यूमेंट होता है इसकी तो आप पेमेंट करेंगे, जैसे कॉपीराइट आप लेते हैं उसकी पेमेंट हजारों में होती है। अब वो जो आपको एक वो आप रिटर्न में एक सर्टिफिकेट देंगे, आपको बिल्कुल देंगे सर्टिफिकेट मिलेगा, तो एक रिटर्न प्रूफ होगा कि आपके पास कॉपी राइट्स हैं, कि वो जो आपने पेमेंट की वो किस चीज की है, राइट्स की या सर्टिफिकेट की, राइट्स की उस तो वो तो नजर नहीं आ रहा है ना, वो सर्टिफिकेट तो उसका एक रिटर्न प्रूफ है उसका कि आपके पास राइट्स, असल पेमेंट किसकी है, राइट्स। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते बना हुआ है नहीं, अच्छा कितने का बनता है पता है, ज्यादा बता रहे हैं। हाँ हाँ मतलब वो सरकारी फीस और सर, दरबारी फीस कितनी है, 2,000 ऊपर रख के नहीं तो देखिए। अच्छा यार टाइम हो गया मुझे खैर चले, जो भी है 5-7 हज़ार जो भी सपोज कर लें, 5,000 फीस है सपोज कर लें। अब आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, 5,000 आपने सपोज फीस पे की, ठीक है, आपको क्या मिल गया, लाइसेंस मिल गया, मतलब आपको राइट्स मिल गए कि आप रोड पे गाड़ी, अच्छा अच्छा रिटर्न में आपको क्या मिलता है, एक छोटा सा कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, कितने का होता है, 100 रुपए का होगा, 200 रुपए का होगा, 20 रुपए में कार्ड बन जाता है, आप बना देंगे प्लास्टिक कार्ड 20 रुपए का बन जाएगा, चले आपसे बनवाता हूँ, तो वो आपको मिलता क्या है, प्लास्टिक कार्ड। अच्छा अच्छा आपको मिलता क्या है, एक प्लास्टिक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है ना छोटा सा, कार्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये कह रहे हैं 20 रुपए, 100, 150, 200 रुपए बस, और पे कितने किया आपने, 5,000, 7,000, वो किस बात के लिए, इजाजत के, परमिशन के, राइट्स के ना, तो पेमेंट असल में किसकी होती है, राइट्स, वो तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है या लाइसेंस मिलता है, कार्ड मिलेगा, वो तो एक प्रूफ होता है कि आपके पास राइट्स हैं, इसलिए तो ये कॉपी राइट्स हो गया, तो ये कहाँ पे यूज होते हैं, और एक बार आपको राइट्स मिल जाए तो सालों आपके पास रहते हैं, इसकी भी एक लाइफ होती है, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होता है फिर रिन्यू करवाते हैं, फिर रिन्यू करवाते हैं, इसी तरह इनकी भी एक लाइफ होती है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाने पड़ते हैं, लेकिन एक बार राइट्स मिल जाए तो सालों आपके पास रहते हैं, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट, ठीक है। आपका एक नाम बन गया टीसी का, जैसे सालों से 20-25 साल हो गए टीसी को, 25 साल से नाम बना हुआ है, तो बताओ ट्रेडमार्क तो पूछा नहीं आपने, ये पता है, फिर ज्यादा आपको क्लिक करना है, बताता हूँ, ओके देख, तो ये कॉपीराइट्स हो गए, ये कहाँ पर यूज होंगे, बुक्स के लिए, किसी वीडियो के लिए, किसी सॉन्ग के लिए, ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है, कॉपीराइट्स। अच्छा इसके बाद है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क भी क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, अब ये कहाँ यूज करते हैं, देखिए हर कंपनी की एक प्रोडक्ट जो होती है, हर कंपनी का एक लोगो होता है, हर कंपनी का एक लोगो मोनोग्राम होता है जो अपने प्रोडक्ट पे यूज करते हैं, ऐसे ही होता है, जैसे आईफोन की बात करें तो इसका वो एप्पल बना हुआ है, नाइकी की बात करें तो इसका वो एरो बना हुआ, टेक बना हुआ, ठीक है, तो हर कंपनी का एक ट्रेडमार्क होता है, एक लोगो होता है जो अपने प्रोडक्ट पे प्रिंट करती है, ठीक है। अच्छा आप वही चीज है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई, अपना एक लोगो डिजाइन किया, उसको प्रिंट किया, आपने प्रोडक्ट मार्केट में आई, प्रोडक्ट आपकी फेमस हो गई, अच्छा फिर वही होगा, 2 नंबर लोग मार्केट में आएंगे, 2 नंबर प्रोडक्ट बनाएंगे, वही लोगो प्रिंट करेंगे और बेचना शुरू हो जाएंगे, तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, अपने उस लोगो को अपने नाम पर रजिस्टर करवा देंगे, सेम वही प्रोसेस होगा, उसको रजिस्टर करवाएंगे तो आपको राइट्स मिल जाएंगे, कब आपके अलावा कोई और उसे यूज नहीं कर, तो आपका कोई लोगो हो गया, कोई मोनोग्राम, या आपका कोई स्लोगन, स्लोगन भी अगर कोई आपका है तो वो भी आप इसमें आएगा ट्रेड मार्क में, जैसे देखें जैस का क्या है, जैस तुम्ही तो, नहीं यू फोन है ना, दुनिया हाँ यू फोन तुम्ही तो, जैस क्या है, दुनिया को बता दो, ठीक है, तो डाउलेंस रिलायबल, तो देखिए हर कंपनी का अलग है ना क्लाइंट, स्लोगन अलग होता है, ये भी वजह क्या है कि वो उसको रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि कोई और यूज ना करे, वो भी राइट ही है ना, लेकिन एक स्लोगन आपने बनाया यू फोन तुम ही तो, अब ये तुम ही तो कोई और यूज करता है, क्योंकि उसने इसको रजिस्टर करवा लिया, उनको राइट्स मिल गया, अब उनके अलावा कोई और यूज
ये भी क्या हुआ, इंटेंजिबल राइट है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क भी क्या हो गया, आपके राइट्स। और ये कहाँ यूज होते हैं, लोगो, स्लोगन, मोनोग्राम, उनके लिए यूज किया जाता है। अच्छा, पेटेंट्स, पेटेंट भी क्या होते हैं, राइट्स होते हैं ये भी। ये कहाँ यूज होते हैं, आइडियाज हो गए आपके, और हाँ समझ गया, और कुछ फिलहाल इतना ही है। ठीक है बता, देखिए आप पेटेंट्स कहाँ यूज होता है। अच्छा आपने नाम सुना कि पेटेंट प्रोडक्ट्स, पेटेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, इसका टर्म सुनिए नहीं। ठीक है, देखिए पेटेंट कहाँ यूज होता है, तो फर्ज करें कि आप कोई साइंटिस्ट हैं या आप इंजीनियर हैं। ठीक है, आप एक साइंटिस्ट हैं या आप इंजीनियर हैं, आपने कोई प्रोडक्ट, क्या टाइम हो रहे हैं, लास्ट क्लास में कुछ अनाउंस किया था, 10-15 तक का टाइम है, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिए। अच्छा अब आप कोई साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, आपने कोई प्रोडक्ट, कोई फॉर्मूला, कोई डिवाइस, कोई मेडिसिन इन्वेंट की, इन्वेंशन आपकी ना, जैसे आपने कोई मेडिसिन इन्वेंट किया, आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने एक मेडिसिन इन्वेंट की। अच्छा, या कोई इंजीनियर है, आपने कोई प्रोडक्ट इन्वेंट की, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ गए मार्केट में, कोई नई डिवाइस इन्वेंट किया आपने, इन्वेंशन हो मतलब आपकी। ठीक है, एज एन इंजीनियर साइंटिस्ट कोई भी, आपने एक इन्वेंशन की। अच्छा बस जो आपकी वो इन्वेंशन मार्केट में आई, अच्छा मार्केट में आने के बाद क्या होगा, फिर वही बात, अगर वो फेमस हो गई तो फिर वही 2 नंबर लोग, कॉपी बनेगी, सब कुछ होगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी उस इन्वेंशन को अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेंगे, तो आपको राइट्स मिल जाएंगे, आपके अलावा कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता, और कॉपी करेगा तो इलीगल होगा और आप उस पर केस कर सकते। ठीक है, तो इन्वेंशन के लिए टर्म यूज होती है पेटेंट। तरह की कोई भी डिवाइस नहीं बना सकते, वो सेम नहीं, उस तरह की तो बना लें, सेम उसकी कॉपी नहीं कर सकते, तो आप बना लें, तो इन्होंने एक डिवाइस बनाई, आप अपनी अलग बना लें। जैसे रहना मोबाइल था फोन है, मोबाइल फोन हर कंपनी बना रही है, लेकिन उसकी कॉपी नहीं करते, डिजाइन की कॉपी, की भी नहीं, हाँ सेम उसकी कॉपी नहीं करते, कॉपी नहीं करते, अपनी प्रोडक्ट बना लें, अलग से इन्वेंशन कर लें आप। जैसे वीडियोस लोग बनाते हैं, हर बंदा वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने में पाबंदी नहीं है, लेकिन मेरी वीडियो आप कॉपी नहीं करते, अपनी बनाएं, ये चीज है। ठीक, और नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर इन्वेंशन मार्केट में आते तो दूसरे लोग भी तो इन्वेंट करते ही है ना, बिल्कुल। जैसे अभी देखें कोविड आया था, उसकी मेडिसिन बनी, हर कंट्री ने बनाई अपनी अपनी, सबने अपनी रिसर्च की, मेडिसिन बनाई, मार्केट में लॉन्च की, सब बेच रहे हैं, तो दूसरे की कॉपी नहीं कर, अपने इन्वेंशन कर सकते। जैसे आपने एक बंदी की ने कुछ इन्वेंट किया, आपको आइडिया है मैं भी बनाता हूँ, बना लें, खुद बनाए, इस पर पाबंदी नहीं है, उसकी डिवाइस को आप कॉपी नहीं कर। राइट, तो ये हो गया। ठीक है, तो कॉपी राइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, लाइसेंस, ये सब क्या होते हैं, राइट्स हैं, और राइट्स आपको एक बार मिल जाए तो सालों आपके पास रहते हैं, और ये आपके क्या है, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं लेकिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं। तो ये हो गया एसेट्स हमारी कंप्लीट। आप नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंस क्या होते हैं, जो आपके खर्चे होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं खर्चे, अखराजात, क्या क्या होते हैं, रेंट, सैलरी, ट्रांसपोर्ट, इंटरटेनमेंट, यूटिलिटी, खाना पीना, और फीस जी फीस, फीस हो गई, और मोबाइल का खर्चा, शॉपिंग एक्सपेंस, कॉलर का एक्सपेंस, इंटरनेट। ठीक है, अच्छा तो अच्छा ये एक्सपेंस क्यों करते हैं, चलो ठीक है, ये तो हो गया एक्सपेंसेस आपके, कहने की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है एक्सपेंसेस की, तो ना खत्म होने वाली एक लिस्ट होती है ना। अच्छा बिजनेस के एक्सपेंस क्या होते हैं, आप बिजनेस पे आ जाए, रेंट हो गया, सैलरी हो गई,
यूटिलिटी आपकी बिल्स हो गए, मेंटेनेंस हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट भी तो होती है ना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होते हैं, चाय पानी का खर्चा हो गया। हाँ ये आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। स्टेशनरी हो गए, सही है, चाय पानी दोनों दोनों खर्चा एक्सपेंस ही आएंगे, ऑन द रिकॉर्ड वाला भी ऑफ द रिकॉर्ड वाला। अच्छा अभी एक्सपेंस क्यों करते हैं, खर्चा क्यों करते हैं, क्या वापस मिले, कौन मिले, जिंदगी। एक्सपेंस क्यों करते हैं, बिजनेस की बात हो रही है, पर्सनल नहीं, बिजनेस की अगर बात करें, सैलरी क्यों दे रहे हैं, रेंट क्यों पे कर रहे हैं, बिल्स क्यों पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्यों पे कर रहे हैं, ताकि बिजनेस चले। आपका बिजनेस चलेगा ना, खर्चा करेंगे तो, पर रेंट पे करेंगे तो आपके पास बिल्डिंग या जो भी शॉप है आपके पास रहेगी, सैलरी पे करेंगे तो एम्प्लॉयज काम करेंगे, बिल्स पे करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो कस्टमर आएगा, सही है। तो एक्सपेंस इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस चले, आपका रन करे, और बिजनेस रन करेगा तो प्रॉफिट होगा, इनकम आएगी आपके पास। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि बिजनेस को रन करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर की जाए, नेसेसरी कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस, या और कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू दी कस्टमर, ठीक है। तो उसे आप कहेंगे एक्सपेंसेस, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वैसे तो ना खत्म होने वाली लिस्ट है खर्चों की, उसमें से कुछ एग्जाम्पल। ठीक है। कर दिया। अच्छा जाना, अब क्या अब हमने एसेट्स खरीदी है, करंट डाउन करेंट एक्सपेंसेस पे कर दिए, अब क्या होगा, बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो गया बिजनेस, चलेगा तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट तो बाद में इनकम आएगी ना, इनकम जनरेट हो गया आपकी, ठीक ठीक है। अब आपने एसेट्स बाय किए, एक्सपेंसेस पे किए, तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, रन हो जाएगा, चलना शुरू होगा, बिजनेस चलेगा तो आपके पास इनकम
आना शुरू हुई। तो अब नेक्स्ट है हमारी इनकम या रेवेन्यू। सब इनकम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इनकम, अच्छा एक बिजनेस की इनकम होती क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट अलग चीज है, इनकम और प्रॉफिट दो अलग चीज। गुड्स बेच, गुड्स बेच के जो पैसे आएंगे, मर्चेंडाइज बेच के जो पैसे आएंगे, या अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस प्रोवाइड करके जो पैसे आपको मिलेंगे वो आपकी इनकम है। जैसे मेरी इनकम क्या होगी, जो मुझे यहाँ सैलरी मिल रही है, ठीक है, वो मेरी इनकम हो जाएगी। टीएससी की इनकम क्या होगी, आपसे जो फीस ले रहे हैं, टीएससी इनकम हो गई। प्रोडक्ट, एक मोबाइल शॉप वाले की इनकम क्या होगी, मोबाइल बेच के जो पैसे मिल रहे हैं वो इनकम है। अच्छा ये पॉइंट याद रखिए, इनकम और प्रॉफिट दो अलग चीजें। प्रॉफिट भी हम बात करेंगे बाद में। इनकम क्या है कि गुड्स सेल करके या सर्विस प्रोवाइड करके जो पैसे आपको मिलेंगे वो आपकी इनकम कहलाएगी। लेकिन कैसे आएंगे, गुड्स सेल करके या सर्विस प्रोवाइड। जैसे अगर आप लोन ले रहे हैं बैंक से तो वो भी तो पैसे आ रहे हैं लेकिन वो इनकम नहीं। ठीक है, तो अब ये लिख लें जरा इनकम की डेफिनेशन।
अच्छा, तो इनकम क्या होगी कि गुड्स सेल करके या सर्विस प्रोवाइड करके जो पैसे आपको मिलेंगे वो आपकी इनकम है। अच्छा, एक्सपेंसेस की तरह डिफरेंट बिजनेस की इनकम्स को डिफरेंट नेम से रिकॉर्ड किया जाता है। सब डिफरेंट टाइप के एक्सपेंस है, इसी तरह डिफरेंट बिजनेस की इनकम को डिफरेंट नेम से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अपनी टीएससी की इनकम है उसको नाम क्या देंगे आप? टीएससी की जैसे मेरी इनकम है उसको मैं क्या नाम दूंगा? किस नाम? सैलरी इनकम हो गई, सैलरी मिल रही है मुझे, सैलरी इनकम। तो टीएससी की इनकम को क्या नाम लेंगे? फीस ले रहे हैं ना आपसे, फीस इनकम हो गई, उसको रिकॉर्ड क्या करेंगे आप? फीस इनकम। अच्छा, एक स्टेट एजेंट होता है, उसकी इनकम को क्या कहेंगे? वो कमीशन लेता है आपसे तो उसको लिखेंगे कमीशन इनकम। अच्छा, बैंक की इनकम, बैंक नॉर्मली लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट लेता है ना, तो वो उसके लिए क्या हो गया? इंटरेस्ट इनकम हो। अच्छा, अगर आपके ट्रेडिंग बिजनेस है, गुड सेल कर रहे हैं, तो आप गुड सेल करेंगे तो उसको, जैसे मोबाइल शॉप है, फर्नीचर शॉप है, उसकी इनकम को क्या नाम देंगे? उसे आप रिकॉर्ड करते हैं सेल्स के नाम, सेल्स इनकम, सेल्स रेवेन्यू। जैसे मोबाइल आप सेल कर रहे हैं ना, मोबाइल सेल हो रहा है, फर्नीचर सेल हो रहा है, शोरूम है तो कार आपकी सेल हो रही है, तो उसी हिसाब से नाम क्या होता है उसका? सेल्स इनकम। तो हर बिजनेस के डिफरेंट इनकम को डिफरेंट नेम से रिकॉर्ड किया जाता है। वो भी सेल करता है, पहले देखिए मैन्युफैक्चर करके क्या करेगा? सेल करेगा, सेल करेगा तो इनकम आएगी, वो भी सेल्स इनकम। मैन्युफैक्चरर की भी इनकम को सेल्स इनकम रिकॉर्ड करें, सेल्स। ओके, अब आ जाए तो प्रॉफिट का बता दो। देखिए, इनकम ये होती है कि गुड सेल करके जो पैसे आपको मिले वो आपकी इनकम। प्रॉफिट क्या होता है? इनकम में से आप अपनी जो भी, ठीक है, यानी कि इनकम में से जो भी आपकी कॉस्ट या एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर दें तो वो आपका प्रॉफिट। जैसे टीएससी की बात करते हैं, अगर जैसे इनकम यहाँ की क्या है? फीस। जो आपसे फीस ले रहे हैं वो टीएससी की इनकम है। जैसे उसमें से आप ये जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, टीचर्स की सैलरी हो गई, ये बिल्स वगैरह हो गए, एडवर्टाइजमेंट है, जो भी एक्सपेंसेस हैं सारे माइनस करें, उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट है। अब जैसे एक मोबाइल शॉप है आपकी, तो आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? आपने मोबाइल सेल किया सपोज 50,000 का, खरीदा था आपने वो 40,000 में, वो माइनस करें, उसके बाद जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, रेंट, सैलरी, लाइटिंग, हीटिंग वगैरह, उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट क्या है। इन शॉर्ट इसको फिलहाल इतना रखेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस वो प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट। इनकम क्या है? गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करके जो पैसे मिलेंगे वो इनकम है, उसके जब आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आता है, लॉस हो गया। और अगर इनकम कम हो, एक्सपेंसेस ज्यादा हो तो फिर लॉस हो जाता है। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट, अगर इनकम कम हो, एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, लॉस होता है। इसके बाद आप लिखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज क्या होती है? उधार, उधार हो गया, कर्जा हो गया। अच्छा, लाइबिलिटी कब आती है हम पे? जब हम कर्जा लेते हैं। और क्या करते हैं इसके अलावा? तो आपने बैंक से लोन ले लिया, अच्छा लायबिलिटी हो गई। क्रेडिट पे कोई चीज खरीद लें, उधार पे कोई चीज खरीदें, और बिल आया, आपका बिल आपने पे नहीं किया, ये क्या बन गई आपकी? एक लायबिलिटी। अच्छा, लाइक सारे पेबल, इन शॉर्ट देखिए लायबिलिटीज को आप कह सकते हैं ऑब्लिगेशंस, आपकी ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारी। ठीक है, जैसे आप लोगों की ऑब्लिगेशन क्या है इस वक्त? कि आपके पेरेंट्स ने यहाँ एडमिशन दिलवाया, आपको फीस पे की, तो आप पे एक ऑब्लिगेशन आ गई ना। क्या ऑब्लिगेशन आई? कि आपने पढ़ना है, पास होना है, तो आप पर यानी कि एक ऑब्लिगेशन आ गई, एक लायबिलिटी आ गई है, जब आपने पढ़ना है और पास होना है। तो लायबिलिटीज को आप इन शॉर्ट ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, या और सिंपल वर्ड में आप कह रहे हैं कि हर वो अमाउंट जो आपने पे करना है वो आपके लिए लायबिलिटी है। जैसे कि आपने कोई गुड्स खरीदी क्रेडिट पर, उधार पे आप गुड्स खरीद के लाए, तो आप एक लायबिलिटी आ गई कि आपने कल को पेमेंट करनी है। अच्छा, बैंक से आपने लोन लिया,
तो आप पे एक लायबिलिटी आ गई, एक ऑब्लिगेशन आ गई, कल को आपने लोन वापस करना है, पे करना है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की पूरा मंथ, मंथ एंड पे बिल आया, तो ये आपकी एक लायबिलिटी हो गई कि आपने बिल पे करना है। अच्छा, मंथ एंड हुआ, आपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी, तो आप पे लायबिलिटी आ गई कि आपने सैलरी पे करनी है, सैलरी देनी है। तो हर वो अमाउंट जो आपको पे करना होगा वो आपके लिए लायबिलिटी। पैसे होता ही है, लायबिलिटी खत्म हो जाती है। हाँ, पे करके उधार खत्म हो, लायबिलिटी खत्म हो, पैसे पैसे होता ही है ना, एक्सपेंस होता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज की तो एक्सपेंस हो गया, तो हो गया था, तो आपने पे ही नहीं किया तो लाइबिलिटी है, पे कर देंगे तो लाइबिलिटी, एक्सपेंस तो हो चुका ना पहले। नहीं, बिल्कुल है, एक्सपेंस खत्म नहीं हो, किसी भी चीज को पालने का खर्चा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेट किसका नाम रखा है ये बताओ। ठीक है, चलो अच्छा आ जाए। ठीक है, तो लाइबिलिटीज क्या होगी आपकी? ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, आपके पेबल्स। अच्छा, लाइबिलिटीज की भी दो टाइप्स होती हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिक्स नहीं होती, नॉन करंट। तो डिफरेंस क्या है करंट और नॉन करंट में? वो लाइबिलिटीज जो आपको विद इन 1 ईयर पे करनी है करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगी, और वो लाइबिलिटीज जो आफ्टर 1 ईयर पे करनी हो नॉन करंट है। कि अभी एग्जाम्पल्स लिखते हैं, कोई एसिड वाला, तो एसिड दोनों, हाँ बिल्कुल दोनों में आ सकता है। अगर आपने लोन लिया है 6 मंथ के लिए, अगर आपने 6 महीने के लिए लोन लिया वो करंट लाइबिलिटी है, और अगर आपने 5 साल के लिए लिया नॉन करंट है, दोनों में आ सकता है। हाँ, ये ऊपर नहीं होती स्लाइड, आपको ऊपर होना पड़ेगा, स्लाइड ऊपर नहीं होती, वो पीडीएफ फाइल या वर्ड की फाइल हो जाती है, स्लाइड नहीं होती। तो जी, कॉपी कर लिया। अच्छा, इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम, करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल। ये पहले कॉपी कर लेना, करंट लाइबिलिटीज की एग्जाम्पल्स।
बात नहीं था। अच्छा देखें, लायबिलिटी पहले क्या लिखा है, अकाउंट पेबल, आगे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, ठीक। तो अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर्स एक ही बात है। अब ये कौन होते हैं? अभी हमने लिखा था अकाउंट रिसीवेबल, वो कौन होते हैं? ठीक है, जिनको हमने क्रेडिट पे सामान बेचा, ठीक, वो होते हैं आपके अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पेबल क्या है कि अगर आपने किसी से क्रेडिट पे उधार पे माल खरीदा, जैसे आपके मोबाइल शॉप पे आपने कंपनी से मोबाइल्स बाय किए क्रेडिट पर उधार पे, एक मेडिकल स्टोर है आपने कंपनी से मेडिसिन बाय की क्रेडिट पर या उधार पे, तो आप पे एक लायबिलिटी आ जाएगी कि अब आपने पेमेंट करनी है। तो जब भी कोई चीज क्रेडिट पर बाय करेंगे तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट पेबल के नाम से, और जैसे हम क्रेडिटर का वर्ड भी यूज करते हैं इसके अकाउंट पेबल। जैसे आपके एक मेडिकल स्टोर हुआ, आपने एक मेडिसिन बाय की उधार पे, तो आप उसको रिकॉर्ड किस नाम से करेंगे? अकाउंट पेबल के नाम से। जब भी कोई चीज हम क्रेडिट पर बाय करेंगे तो उसे रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट पेबल के नाम से। तो ये हम पर एक लायबिलिटी आ जाएगी कि हमने गुड्स बाय की और हमें पेमेंट करनी है। अच्छा, पेमेंट के लिए कितना टाइम मिल जाएगा हमें? महीना, 2 महीने, 3 महीने, बस। यानी कि जितना भी आप जो भी चीज बाय करेंगे क्रेडिट पर, तो उसकी पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करनी है। ये आपके लिए क्या है? करंट लायबिलिटी। अच्छा, इससे मतलब टैक्स है। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया, किसी भी टाइप का टैक्स हो, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कोई भी टैक्स आपने पे नहीं किया, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी, कि आपने पेमेंट करनी है। अच्छा, इसके बाद है लिखा हुआ एक्रूड स्लैश अनपेड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस या अनपेड एक्सपेंस का एक ही मतलब, कोई भी एक्सपेंस, जैसे भाई मंथ एंड हुआ, आपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं की, तो आपके लिए लायबिलिटी बन गई, सैलरी पे करनी है, देनी है। बिल आ गया घर पे आपका, बिल आपने पे नहीं किया, तो ये आपके लिए लायबिलिटी बन गई कि बिल पे करना है, ठीक है। तो हर वो एक्सपेंस जो अनपेड है वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। अनपेड एक्सपेंस को हम एक्रूड एक्सपेंस भी कहते हैं। तो एक्रूड एक्सपेंस या अनपेड एक्सपेंस एक ही बात, और ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। इसके बाद लिखा हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, पता है? बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस में, माइनस में क्या मतलब, कब जाते हैं, ज्यादा खर्चा कर लें, क्रेडिट पे खर्चा कर देना। ही सही कह रहे हैं, कुछ वर्डिंग आपकी थोड़ी सी आगे पीछे, थोड़ी सी बात तो सही कर रहे हैं आप। अच्छा, ये कह रही भाई, अगर आपका बैंक बैलेंस है 10,000 का, और आपने, अच्छा ये बता रही थी कि किसी को चेक पेमेंट की बाय चेक, और आपने चेक उसको दिया 15,000 का, अब वो चेक लेके बैंक पहुंचा, पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी? बैंक बैलेंस आपका 10,000 है, आपने किसी को पेमेंट की बाय चेक, चेक बना कर दिया 15,000 का, अब वो बंदा चेक लेके बैंक पहुंचा, तो पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्या कोई चांस है? मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। किसने कहा? आपने कहा? आपने क्यों, कब, कैसे, कुछ? जी, तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर नहीं बता रहा ना, भी मैं कहा पॉसिबल है,
अगर आपका बैंक बैलेंस कम है और आपने ज्यादा अमाउंट का चेक इशू किया है तो ये पॉसिबल है कि बैंक पेमेंट कर दे, पॉसिबल है। ठीक है, अभी कैसे होता है, कब होता है, ये बैंक की एक फैसिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट वर्ड बना है ओवरड्रॉ से, ओवरड्रॉ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्रॉ का मतलब क्या है कि बैंक बैलेंस आपका कम है और आपने उससे ज्यादा पैसे निकाल लिए बैंक से ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो ये पॉसिबल होता है, बैंक की एक फैसिलिटी है जिसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वो फैसिलिटी यही होती है कि अगर आपका बैंक बैलेंस कम है और आपने ज्यादा अमाउंट का चेक इश्यू किया है तो बैंक आपको अपने पास से पेमेंट कर दे, आप उससे ज्यादा अमाउंट ड्रॉ कर सकते। लेकिन ये फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिलती, नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनीज होती हैं बड़ी, उनके लिए होती है। एक नॉर्मल जो अकाउंट होल्डर होगा जैसे मैं या आप हैं, तो हमें ये फैसिलिटी नहीं। तो बिजनेसमैन या कंपनीज के लिए फैसिलिटी होती है कि आपका बैंक बैलेंस अगर कम है आप उससे ज्यादा ड्रॉ कर सकते, बिल्कुल बैंक अपने पास से आपको पेमेंट कर देता है। अच्छा, अब आपका बैंक बैलेंस था 10,000, आपने ड्रॉ किए 15,000, अब आप पे एक लायबिलिटी आ गई कि अब आपने 5,000 बैंक को पे करने हैं वापस कर। क्या एग्जाम्पल है ना, ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, और इसकी एक लिमिट होती है, ओवरड्रॉ करने की लिमिट होती है जो कि हजारों से लेके लाखों तक हो सकती है, डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी बड़ी आपको लिमिट मिलेगी। ठीक है, मतलब हजारों से लेकर लाखों तक की आपकी लिमिट हो सकती है, डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब आप बैंक आपको क्यों दे रहा है पैसे, बैंक को क्या फायदा? हाँ, तो वो फिर आपसे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस, अगर आपने 10,000 ओवरड्रॉ किए तो आपको 10,000 नहीं देना होंगे बल्कि इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेंगे, और जितना लेट आप रिटर्न करेंगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होगा, और जितना इंटरेस्ट चार्ज होगा उतना ही बैंक को फायदा होगा। सही, बैंक जैसे लोन देता है तो लोन क्यों देता है, बैंक इंटरेस्ट लेता है उस पर आप पे, तो उसकी इनकम हो जाती है, इसीलिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है कि आप ओवरड्रॉ करें और फिर वो आपसे इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस ले तो उसकी इनकम बढ़ेगी, कमाएगा। ठीक है जी, हाँ ये विदिन 1 ईयर होता है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि ये ऑन डिमांड होता है कि अगर बैंक आपसे कहे अभी 2 दिन में दें आप तो देना पड़ेगा, ये भी होता है, और ये शॉर्ट टर्म ही होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। और ये कि जितना लेट करें फिर इंटरेस्ट भी बहुत लगता है, इसका इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है, जितना लेट करेंगे तो ये तो फिर डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो आपका अपना नुकसान भी है इसमें। तेज बोले थोड़ा, वहाँ अलग सीन होता है, उसके अलग सेटिंग है, यहाँ पे नहीं। पहले से तो तो वो भी आपकी क्रेडिबिलिटी देख के मिल रहा है ना, मतलब हर किसी को नहीं मिला, अच्छा तो हर किसी के है ना, अच्छा होता होगा वहाँ और पे। अगर फिर भी उधर तो लेकिन हाँ, पे कर सकते बैंक और वो तो वहां खत्म हो जाता है, और लेकिन वो भी एक पॉलिसी है ना कि पॉइंट अगर होंगे तो मिलेगा, तो हर किसी के लिए नहीं हुआ। बिजनेस बिजनेस वगैरह हाँ ये कह रहे हैं, वहां जरूरी नहीं होगा, सिर्फ उनकी वहां की पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पॉलिसी ये बैंक वाला करंट अकाउंट में आएगा या इस तरह से? नॉर्मली करंट ही होता है, बिजनेसमैन का करंट ही होता है नॉर्मली, तो कार्ड होता ही नहीं, करंट ही होता है। अच्छा, तो ओवरड्राफ्ट समझ आ गया कि बैंक बैलेंस कम है और आपने अगर ज्यादा अमाउंट ड्रॉ किया तो वो जो आप कह रहे थे नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव में चला जाता है बैलेंस, देखो देखोगी। अच्छा, करते हैं ब्रेक करते हैं। अच्छा, चलो ये लिख लें फिर ब्रेक लेते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या होते हैं, जो आफ्टर 1 ईयर पे करनी है, और नॉर्मली इसमें क्या आ जाता है, बैंक लोन, ये आपके लिए एक नॉन करेंट लाइबिलिटी।
अनपेड लाइबिलिटी है ना, अनपेड, जैसे आपने सैलरी पे नहीं की, बिल आ गया, बिल पे नहीं किया, कोई भी एक्सपेंस जो अनपेड हो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी। कोई भी एक्सपेंस, क्या चीज आऊंगा, भी लिंक दूंगा। कॉपी कर लिया, चलिए इसको फिर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, आपको लिंक दूंगा। ये लाइबिलिटीज हो गई करंट और नॉन करंट। पता है आपने बैंक से लोन लिया, अब एक एग्जांपल है इससे रिलेटेड, बैंक से लोन लिया और 1 लाख का, और रीपे करना है आपको 5 ईयर के बाद, 5 ईयर के बाद रीपे करना है, रिटर्न करना है, ये करंट लाइबिलिटी होगी नॉन करंट? नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। अच्छा, अब आपने लोन दिया और ये आपको रीपे करना है आफ्टर 6 मंथ, करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, अब आपने लोन दिया 5 लाख का और हर साल, बल्कि हर साल हाँ, आपको 1 लाख रिटर्न करना है, टोटल लोन 5 लाख का और हर साल 1 ईयर 1 लाख आपको रिटर्न करना है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, नॉन करेंट है जी। लेकिन टोटल लोन कितना है? 5 लाख का कैसे देना है? 1 लाख पर ईयर, एक साल में कितने देने हैं? 1 लाख क्या हो गए? करंट, बाकी 4 लाख नॉन करंट। ठीक है, इसका मतलब एक लाइबिलिटी का कुछ पार्ट करंट भी हो सकता है, कुछ पार्ट नॉन करंट भी। तो जैसे आपने गाड़ी खरीदी बैंक से, इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेते हैं, अच्छा आपने गाड़ी खरीदी, आपकी इंस्टॉलमेंट है सपोज 10,000 पर मंथ, और टोटल गाड़ी की कॉस्ट है 10 लाख की गाड़ी है, और 10,000 पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट। अब बताएं करंट लाइबिलिटी क्या होगी, नॉन करंट क्या होगी, करंट कितनी होगी? 10,000 पर मंथ, तो साल की इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई? 1,20,000 करंट हो जाएगी, और बाकी जो बचेंगे वो नॉन करंट लाइबिलिटी। तो एक पॉइंट और आ गया कि एक लाइबिलिटी का कुछ पार्ट करंट भी हो सकता है, कुछ पार्ट नॉन करंट भी हो सकता है। जो अमाउंट विद इन 1 ईयर देना है वो करंट हो जाएगा, और जो आफ्टर 1 ईयर पे करना है वो नॉन करंट। सही, ये हो गई लाइबिलिटीज। के बाद आ जाए कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? सरमाया अच्छा क्या होता है? इक्विटी क्या होती है? आप बताएंगे क्या सर, ओनरशिप क्या होती है? कैपिटल हमारा पहली सरमाया क्या होता है? सरमाया सरमाया, सरमाया जो पैसे हमने बिजनेस में लगाया उसको कहते हैं सरमाया, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा आप लगाते हैं बिजनेस में उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, सरमाया या कैपिटल। अच्छा, अब जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे बिजनेस में वो किस फॉर्म में होगी? कैश के फॉर्म में नॉर्मली। अच्छा, सिर्फ हमेशा कैश ही होगा क्या? और क्या हो सकता है? फर्नीचर फर्नीचर भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है। नहीं, गुड्स में नहीं आ रहा, गुड्स तो होती है जिसकी आप ट्रेडिंग करते हैं, वो होती है ना, राइट। तो कैपिटल क्या होगी? आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्या होती है? कैश के फॉर्म में होती है, लेकिन अदर एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे वर्ड करें, आप पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चार पार्टनर हैं, एक ने कहा मेरे पास कैश है, मैं कैश लेकर आ जाऊंगा, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई कैश के फॉर्म में। एक ने कहा मेरा ऑफिस है बिल्डिंग में, उधर एक ऑफिस है, वहां पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो ऑफिस में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ऑफिस या बिल्डिंग के फॉर्म में। अच्छा, आपका बिजनेस था कोई ट्रांसपोर्टेशन का या डिलीवरी का, तो एक ने कहा मेरे पास गाड़ी है सुजुकी या ट्रक है, वो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी गाड़ी या ट्रक की फॉर्म। तो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली आप कैश की फॉर्म में करते हैं, लेकिन अदर एसेट्स के फॉर्म में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है।
अब इसको ले, बैंक बैलेंस क्या मतलब? तो बैंक में भी तो आप रख सकते हैं। फिर आपने घर से पैसे निकाले, बिजनेस शुरू करना है, आपने घर पे पैसे रखे थे, घर से पैसे लेकर आ, या तो यहाँ लाके कैश के फॉर्म में रख दें, या बिजनेस के नाम से अकाउंट खुलवा के बैंक में जमा करें, ये मतलब है। तो नॉर्मली सर कैश तो नहीं लाते, वो बैंक में ही जमा करवाते हैं। तो आप बिजनेस के नाम से क्या करेंगे, अकाउंट ओपन कर लेंगे, वो पैसा आप उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। इस पर है कॉपी कर लिया। अच्छा, ये हो गया हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट। एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल या ओनर। इसके बाद कॉपी कर लिया सबने, नेक्स्ट लिखते। अच्छा, ये जो हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, इनमें एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो रिलेशन क्या है और उसको क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, हाँ, और ये इक्वेशन क्या, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या कैपिटल की जगह ओनर इक्विटी भी लिख सकते। ये एक रिलेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एक ही बात। तो ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट कर, इसको जरा चेक भी करते हैं हम, ये कैसे इक्वल होते हैं। देखिए, एसेट्स की डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, एसेट्स क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेस ओन बाय द बिजनेस। एसेट्स क्या है, रिसोर्सेस ओन बाय द बिजनेस। अब इन रिसोर्सेस के लिए कोई सोर्स भी तो होगी आपके पास, एसेट्स कहाँ से आएंगे, एसेट्स आएंगे कहां से, कैपिटल से आएंगे। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस में कैश आएगा, और कोई सोर्स, हाँ, लेकिन इसको यहां लिखकर आपको समझाते। तो एसेट्स क्या, याद रखें आपके रिसोर्सेस, और आप इन रिसोर्सेस के लिए कोई सोर्स भी होनी चाहिए आपके पास। एसेट्स आएंगे कहां से, तो एक सोर्स तो आपकी क्या हो गई, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जब आपने बिजनेस एक स्टार्ट किया और 1 लाख की आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, तो बिजनेस में 1 लाख कैश आया, तो कैश हो गया आपका एसेट। देखिए आप क्या लिखेंगे, एसेट कितने हो गए, 1 लाख, और आपका कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख।
अपने इन्वेस्टमेंट की वो कैपिटल है ना, लाइबिलिटीज कितनी है इस वक्त? जीरो। कि आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, न्यू बिजनेस शुरू किया, तो आपके पास कैश आ गया, एसेट्स हो गया 1 लाख, कैपिटल हो गया 1 लाख, लाइबिलिटीज जीरो। अच्छा, ये तो एक सोर्स हो गई हमारी कैपिटल। और कोई सोर्स? लोन, बैंक से लोन ले सकते हैं। अब आपने बैंक से लोन लिया 50,000 का, ठीक है, तो 50,000 कैश आया, एसेट है, एसेट हो गया हमारे 50,000, मजीद ऐड हो गए, और कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 लाख ही रहेगा ना। लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 50,000 आपकी लाइबिलिटीज हो गई कि आज जो आपने लोन दिया कल को आपने रिटर्न। तो अब देखिए दोनों साइड का टोटल करें, 1,50,000 हो गए। तो यहाँ पे मैं अगर 1 लाख लिख दूँ, यहाँ पर चलो 1 भी लगा दे, तो अब आपके एसेट्स कितने हो जाएंगे? 1,50,000। कैपिटल कितना है? 1 लाख। लाइबिलिटीज कितनी है? तो दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। जैसे ये भी कह सकते हैं एसेट्स क्या है? रिसोर्सेज। तो आप ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल टू सोर्सेज। जितनी ज्यादा सोर्स होंगी उतनी ज्यादा रिसोर्सेज होंगी। ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक। इसको लिख लें, हाँ ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आप कुछ पूछ रहे? एक सोर्स हो गई आपकी कैपिटल, दूसरे सोर्स हो गई आपकी लोन, और फिर इसी पैसे से आप बाकी एसेट खरीदते रहेंगे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी खरीदते हैं। कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं? नहीं। अच्छा, ये तो हो गए कुछ डेफिनेशंस, एग्जांपल। अब एक दो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, तो थोड़ा आपके प्रैक्टिस और हो जाएगी, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, हैंडआउट मैंने आपको दिया है, अच्छा एक चीज और चले मैं भी बताता हूँ। एंड आउट नहीं, खत्म हो गया। डाउट खत्म। ओके, अच्छा इसमें पहला क्वेश्चन है 1.1, इसमें आपको बताना है एसेट कौन से, लाइबिलिटीज कौन से। तो 1.1 में ए बताएं, एसेट है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है लोन फ्रॉम ए सेंस, ठीक है, जो लोन हमने लिया लाइबिलिटी आ गई, बी क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, सी इक्विपमेंट्स एसेट होते हैं। अच्छा, ये डी लोन टू एस गोल्ड एसेट, लोन टू एस नाम है भाई, एयरपोर्ट का। यहाँ पे आपको बॉक्स में एग्जाम पेट में नाम ऐसे ही मिलेंगे अजीब अजीब, एसेट होगा, एसेट होगा देना, नहीं लायबिलिटी नहीं है। देखें अब ए और एफ में, डी में क्या फर्क है? देखिए ए में क्या था, लोन फ्रॉम, यानी कि हम लोन ले रहे हैं, आज हमने लोन लिया कल को हमें उसे वापस करना है, तो यहाँ पे आ गई लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, अब हम लोन दे रहे हैं, अब हम एफ फुट को लोन दे रहे हैं, तो कल को हमें उससे रिसीव करना है, लेना है, अब ये हमारे लिए रिसीवेबल हुआ ना, लोन रिसीवेबल। आज हमने किसी को लोन दिया, वो हमारे लिए क्या है, रिसीवेबल, कि हमें उससे लोन लेना है, जिस तरह भी हमने वो पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो कोई भी अमाउंट जो आपको रिसीव करना है वो आपके लिए एसेट हो, हर वो अमाउंट जो आपको पे करना है वो आपके लिए लायबिलिटी है, और हर वो अमाउंट जो आपको रिसीव करना है वो आपके लिए एसेट है। तो यहाँ पे हम उसको लोन दे रहे हैं, आज हम लोन दे रहे हैं, तो कल को हमें उससे रिसीव करना है, लोन लेना है, रिसीवेबल, तो ये हमारे लिए एसेट हो जी।
वो तो हो, भाई। एसेट तो है ना, ये फर्नीचर खरीद के लाए आप, आ गया आपके पास, क्या है आपके लिए? एसेट है। उधार पे खरीद के लाए तो वो लायबिलिटी भी है आपके लिए, वो भी आगे पढ़ेंगे उस चीज को, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो एक शॉर्ट पॉइंट ये क्या रख लें इसको शॉर्टकट में, के जो भी अमाउंट आपको पे करना है वो लायबिलिटी है, और जो अमाउंट आपको रिसीव करना है वो आपका एसेट। अब वो चाहे लोन रिसीवेबल हो, अकाउंट रिसीवेबल हो, किसी भी तरह का अमाउंट। और इसके बाद ई, ठीक है, वी ओ आर सप्लायर फॉर गुड्स, ये व्हाट इज ओ, इसके मीनिंग क्या है? ओ डब्ल्यू ई, ठीक लायबिलिटी है जी। पर एक होता है ओन, ओ डब्ल्यू एन, ओन होता है, और ये है ओ डब्ल्यू ई। होता है। एक होता है बट ओ डब्ल्यू एन, ओन, ओन ओनर, ओनरशिप होती है ना। ओन का मतलब तो होता है वो आपका एसेट हुआ, आप ओन कर रहे हैं, ये देखा ओ ओ डब्ल्यू ई, है। वापसी का नहीं, उधार की मीनिंग में आते हैं, ठीक है, लायबिलिटी के मीनिंग में आते हैं ओ। एक मिनट रुक, कभी ओ आर सप्लायर फॉर गुड्स, इसका मतलब हमने किसी सप्लायर से गुड्स बाय की और अब हमें उसको पे करने हैं, पेमेंट कर, ये लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ओ आर सप्लायर फॉर गुड्स लाइबिलिटी है। इसके बाद वेयर हाउस वी ओन, तो यहाँ लिखा ओन, तो ये आपका एसेट हो जाएगा। के बाद आ जाए 1.2, ए अच्छा बी अच्छा एसेट, तो बी लिखा प्रेमेसिस, प्रेमेसिस का मतलब क्या है? आपकी जगह, बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप, कुछ भी ना, तो मीनिंग बिल्डिंग लिख लिया, उसके साथ आगे लिख लिया बिल्डिंग, आप कोई भी स्पेस आपकी जो भी शॉप हो, ऑफिस हो, पूरी बिल्डिंग हो, प्रेमेसिस कहते हैं। अच्छा अभी है सी, लायबिलिटी, तो देखिए सी अकाउंट पेबल फॉर इन्वेंट्री, और यहाँ जो लिखा था ई, दोनों का एक ही मतलब है, सिर्फ वर्डिंग का फर्क है। अकाउंट पेबल फॉर इन्वेंट्री या अभी ओ आर सप्लायर फॉर गुड्स, दोनों का एक ही मतलब, ठीक दोनों लायबिलिटी है, सिर्फ वर्डिंग का फर्क है, दोनों है लायबिलिटी। अच्छा इन्वेंट्री एसेट हुआ, अकाउंट रिसीवेबल एसेट एफ, है। ओ से बना ओइंग, ओइंग टू बैंक का मतलब पेबल टू बैंक लायबिलिटी, बैंक को देने हैं, ओइंग टू बैंक का मतलब पेबल टू बैंक लायबिलिटी है ये। तो जी एसेट एच, एच लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम आई, एसेट हो गया मशीनरी। 1.3, काउंटेबल और अब इस पे क्या बताया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्गली क्लासिफाइड, ये एसेट्स में रॉन्ग क्या है? अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, बाकी सब एसेट है, ठीक है। लोन टू लिखा हुआ है, मीन्स हमने लोन दिया है, लोन दिया है तो वो हमारे लिए रिसीवेबल है एसेट, लोन टू आपका एसेट हुआ, इसमें रॉन्ग क्या है? सिर्फ अकाउंट पेबल। अच्छा लाइब्रेरी से रॉन्ग क्या है तो इसमें? स्टॉक ऑफ गुड्स यानी कि इन्वेंट्री, अच्छा इन्वेंट्री को कहते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स, और अकाउंट रिसीवेबल दोनों एसेट हैं, ये रॉन्ग है। बाकी मनी ओइंग टू बैंक लाइबिलिटी हो गया। प्रैक्टिस हो जाती है, सिमिलर सिमिलर क्लियर हो जाए। एक बच्चे हाँ ऊपर वाली पॉइंट बोल 1.4, एसेट्स में रॉन्ग क्या है? अकाउंट्स पेबल और कैपिटल कैपिटल क्या होता है? कैपिटल कैपिटल होता है, एसेट नहीं होता, एसेट
एक्सपेंस लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल तो अलग हेड है ना आपका, तो कैपिटल कैपिटल है एसेट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक, इसमें अकाउंट पेबल और कैपिटल रॉन्ग है जी। कैपिटल एसेट, मैं क्या एसेट नहीं है, ये थोड़ी क्या लायबिलिटी, एसेट नहीं है कैपिटल, एसेट नहीं है कैपिटल, कैपिटल है अलग ही हेड है ना, फाइव हेड लिखवाए थे ना, एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल अलग है, अलग चीज है कैपिटल। हाँ, एसेट अलग चीज है कैपिटल अलग, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है ये कह रहा हूं मैं। इसमें मशीनरी और मोटर व्हीकल्स रॉन्गली क्लासिफाइड है, इसमें ये बताना रॉन्गली क्लासिफाइड, ये नहीं बताना एसेट लायबिलिटी नहीं बतानी है, बस रॉन्ग बताना है कि कौन सी चीज कहाँ पे रॉन्ग है ये बताना। अब कैपिटल आपका एसेट नहीं है इसलिए वो रॉन्ग हो गया बस ये। अच्छा ये तो हो गए, ठीक है। अब आ जाए इसमें कैलकुलेशन है। अच्छा तो ये हमने अभी एक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी, अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छा सब, ये इक्वेशन आपने देखे मैथ्स में, आपने इक्वेशन पढ़ी है, मैथ्स तो पढ़ी है ना, तो अपने इक्वेशन सॉल्व करना आती है आपको, तो ये भी एक आपकी इक्वेशन ही है ना मैथ्स की तरह, जो मैथ्स में इक्वेशन होती है। अब इसमें तीन चीजें आ रही है, एसेट कैपिटल लायबिलिटी। तो अगर कोई भी दो वैल्यूज आपको गिवेन हो, तीसरी वैल्यू फाइंड करनी हो, इजी है, तो इसको अरेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे आपको लायबिलिटी फाइंड करनी तो क्या कैलकुलेशन होगी, कैपिटल को माइनस कर देंगे तो लायबिलिटी आ जाएगी, कैपिटल फाइंड कर रहे हैं तो लायबिलिटी को लेफ्ट पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगी, ठीक है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो कैपिटल आ जाएगी। अब इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों में आपको एसेट और लायबिलिटीज गिवन है, ये 1.5, इसमें कुछ एसेट्स हैं कुछ लायबिलिटीज हैं और आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला काम तो ये करें, इसमें आप एसेट्स मार्क कर लें, पहले एसेट कौन कौन से हैं, फिर लाइबिलिटीज मार्क करें लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं, उसके बाद एसेट्स का टोटल करें, फिर लाइबिलिटीज का टोटल करें, उसको इक्वेशन में पुट करके कैपिटल फाइंड करें, ठीक। नहीं कैपिटल होगा, देखिए इसको अरेंज करें कैपिटल के लिए, लाइबिलिटी इधर जाएगी ना, लाइबिलिटी इधर जाएगी ना, माइनस हो जाएगी, ठीक है, आपका एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल हो जाएगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व करके कैपिटल कैलकुलेट करें कितना होगा, एसेट कौन कौन है, एक मिनट रुको, सर ये 1,000 डॉलर जो है, और लाइबिलिटीज को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम यहां लिख लेते हैं एसेट्स, एसेट्स और इधर लाइबिलिटीज, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए पहले कि ही बॉट अ वैन, वैन एसेट है, ठीक सर है, एसेट्स में लिखते हैं 13,000। इसके बाद है मार्केट स्टॉल फॉर 1,050, मार्केट स्टॉल ये भी एसेट हुआ आपका, ठीक। इसके बाद कंप्यूटर एसेट है, इसके बाद इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एसेट है। अच्छा फिर लिखा है डिड नॉट पे इन फुल फॉर हिज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड स्टिल ओज 3,000, लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी लिखते हैं 3,000। इसके बाद है ही बोरोड 10,000, लाइबिलिटी। के बाद ये सब दिया, आगे लिखा है कैश इन हैंड एसेट है, और कैश एट बैंक 4,700, ये भी एसेट हो गया ना। अच्छा आप इन एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, 28,600 टोटल एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज का टोटल करते हैं 13,000 हो गई लाइबिलिटीज आप।
अब इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अच्छा अब हमें कैपिटल फाइंड करना है, इसको कैपिटल के लिए अरेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या होगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, एसेट्स कितने हैं 28,600, लाइबिलिटीज हैं 13,000 माइनस ये कैपिटल आ जाएगा। अब यहां लिख लें कैपिटल इज इक्वल्स टू 15,600, तो ये आंसर हो जाएगा 15,600। नहीं, क्वेश्चन है भी हो सकता है या भी होगा, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है। नहीं, हाँ ऐसे ही आएंगे, क्या नहीं तो स्टार्ट किया है दो दूसरे सौ टू 6275, सही है। हम जी, इसमें क्या प्रॉब्लम, सही है। नहीं, घर जाके अम्मी से करूंगी। अच्छा 1.6 एबी से जरा होगा, ये सॉल्व करें, 6,275 सही, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लें, 1.6 लिखते हैं एसेट्स लाइबिलिटीज, फर्स्ट पे क्या है कि बॉट फर्नीचर एसेट है, के बाद आप वैन फॉर 6,000 वैन एसेट, स्टॉक ऑफ गुड्स एसेट, तो ऑल द ही पेड इन फुल फॉर फर्नीचर एंड द वैन ही स्टिल ओ 1,600 फॉर सम ऑफ द गुड्स, लाइबिलिटीज हो गई 1,600, द बीरा प्लेंट हिम 2,500 लाइबिलिटी, पर 200 इन द बिजनेस बैंक अकाउंट 200 एसेट, 175 कैश इन हैंड एसेट हो गया। टोटल करते हैं 10,375 टोटल एसेट्स और 4,100 टोटल लाइबिलिटीज हो गई। इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, बिल्कुल अलाउड अलाउड होगा। और ये लाइब्रेटी हो गए, डिफरेंस निकालने दोनों का कितना आना है 6,270, जीरो ज्यादा लग गया, 6,275, ठीक है, कैपिटल आ जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक ठीक है। है। तो उसके बाद ये दो क्वेश्चंस हैं 1.7 और 1.8, क्या आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, सही है। हाँ सही है, दिल का नहीं हुआ कर लीजिएगा। अब इसमें क्या आपको एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल दिए हुए, दो वैल्यूज गिवन है, कोई एक वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ऐसा माइनस माइनस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, नहीं आएगा ना, ठीक है। ठीक है, फिर इक्वेशन आपकी एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, फाइंड क्या करना है, लाइबिलिटी को यही रखें, कैपिटल को उठा के वहां लेके जाए, एसेट में से कैपिटल माइनस टू, बताओ ना, इसको आपने लाइबिलिटी फाइंड करनी है, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इसी को अरेंज करते हैं। हाँ ये इक्वेशन है, इसको लाइबिलिटीज के लिए आप क्या करेंगे, एसेट्स यही रखें, कैपिटल को साइड पे ले जाएंगे,
इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज हो जाएगा। ठीक है ऊपर कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बनेगी। अब एसेट्स कितने हैं, कौन से वाला सी कह रहे हैं ना, एसेट कितने हैं, 19,200 एसेट्स हो गए, 19,200। कैपिटल कितना है, 3,200 इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। ठीक है यहां लिख लें, लाइबिलिटीज कितने हो जाएंगे, 16,200। नेगेटिव तो नहीं हुआ ना, आपने क्या किया, 16,000 16,000 आएगा। ठीक है मैंने चश्मा नहीं लगाया इसलिए। जी जीरो वहां लगा दिया मैंने उसमें। लाइबिलिटीज इक्वल्स टू ठीक है, ये भी नहीं कर कैलकुलेट नहीं कर रहे। ठीक है तब ये 1.7 और 8 सॉल्व कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। चलिए 1.8 तक करना है बस।